इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हर रोज सभी धर्मों के मानने वाले अपनी अरदास लगाते हैं। रमजान माह में यहां पहुंचने वाले जायरीन की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। हर रोज यहां हजारों की संख्या में रोजदार व अन्य लोग रोजा इफ्तार करते हैं। होली के अवसर पर दरगाह के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निजामी ने समाज के कुछ खास जिम्मेदार लोगों को भी इफ्तार की दावत पर आमंत्रित किया और सभी धर्म व जाति के मानने वालों ने सामूहिक रोजा इफ्तार किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान, पेज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, जर्नलिज्म टुडे ग्रुप के एडिटर जावेद रहमानी, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली विंग के उपाध्यक्ष सरदार अमनजीत सिंह, सर्वोस्टेप पावर के चेयरमैन मोहम्मद आलम, प्रीतपाल सिंह जौहर, नियाज मंसूरी, विपिन गुप्ता, डॉक्टर अंजारुल हक, डॉक्टर कमरुल हक, जावेद सिद्दीकी, डॉक्टर बिलाल अंसारी आदि गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखिए, पहले तो इस रमज़ान के मुबारक महीने में मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सब भाइयों बहनों को। खासकर मेरा पूर्वी दिल्ली से जमुना पार से ज़्यादा संबंध रहा है और वहाँ के लोगों से एक अलग पारिवारिक संबंध भी है, मित्रता का भी है, तो उनका भी है। ये एक ऐसा पाक महीना रहता है जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितने से ज़्यादा जब इसके इफ्तारी होती है, कुछ होती है, लोगों के साथ बैठें, कम से कम थोड़ी बहुत जो व्रत करके उनको बरकत मिलती है उससे हमें भी हिस्सा मिले। और यही हम तो आशीर्वाद चाहते हैं कि अल्लाह मियां का आशीर्वाद समाज को हो और इस देश को मिले। सर, इंडिया अलायंस जैसे काम दोनों का अलायंस आम आदमी पार्टी साथ आपके साथ है, जिस तरह से दिल्ली के सीएम को रातों रात अरेस्ट किया गया, उस तरह से क्या मुश्किल नहीं आपको इलेक्शन में? देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने बार बार इस बात को कहा है कि आप ये दो एक चीज़ें समझिए कि इंडिया अलायंस क्यों साथ आई। इंडिया अलायंस पिछले कम से कम 3-4 साल से जब कई पार्टियों ने, खासकर स्वाभाविक है कि सबसे मेन पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस उस बात पर ज़्यादा जोर से उन बातों को कर रही थी कि आर्थिक तरीके से किस तरीके से इस देश को एकदम कमज़ोर कर दिया गया है। आज जो हालत महंगाई की या बेरोजगारी की है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। कुछ 8-10 परिवारों के हाथ में पूरा देश थाम दिया गया है। ये देश जो पब्लिक सेक्टर के कारण, अपनी सरकार के सेवाओं के कारण जाना जाता था, वो आज प्राइवेट के हाथों में चला गया, तो उसके खिलाफ एक मोर्चाबंदी शुरू हुई। सर, आप रोज लोगों के लिए यहाँ पर हजारों लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं, तो क्या सर किस तरह की मैनेजमेंट रहती है और किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ा सा हमें बताएं? देखिए, यहाँ पहले रोजे से 30 रोजे तक हमेशा इफ्तारी होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग आके यहाँ रोज़ा खोलते हैं, दस्तखान बिछते हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, और इफ्तारी दी जाती है, बिरयानी दी जाती है सबको, वेज नॉन वेज दोनों बिरयानी होती है यहाँ पे, और शरबत का इंतज़ाम होता है, जूस के डब्बे होते हैं,
पानी की बोतल होती है, सब कुछ दी जाती है। यहाँ तकरीबन इतवार और जुमेरात को 5,000 आदमी हैं, वैसे 2,500 आदमी रोज़ होते हैं और सब एक साथ रोज़ा खोलते हैं। और हम, मैं यहाँ पे चीफ इंचार्ज हूँ दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामिया का, दरबार का चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निज़ामी, ये मेरे अंडर में है सारा इंतज़ाम। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महबूब इलाही की वो चौखट है जहाँ हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और मत्था टेकते हैं, और सभी धर्मों के लोग। एक चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिलती है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और ये ऐसी मान्यता है उनके दिलों में कि जो भी आएगा उसकी हर मुराद को यहाँ सुनवाई होगी और माशाल्लाह पूरी होती है। यहाँ काशिफ निज़ामी साहब ने जो इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा, मैं यहाँ पर आया जहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ पर सब इकट्ठा होकर के इफ्तार पार्टी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और मैं चाहूँगा कि हर साल इसी तरीके से, यही नहीं बल्कि सारी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे प्रोग्राम हो जहाँ सभी लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के रोज़ा इफ्तारी करें। बहुत ही दिलकश नज़ारा यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के प्रांगण में देखने को मिला। यहाँ सभी धर्म जाति के लोग जैसे कि हमेशा होते हैं, और आज रमज़ान के महीने में भी बहुत भीड़ ज़्यादा, पहले से ज़्यादा जो है यहाँ क्राउड देखने को मिला। बहुत ज़्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे। एक मोहब्बत का माहौल जो यहाँ देखने को मिल रहा है, इसी तरह का माहौल पूरे देश में होना चाहिए। यही इसी उम्मीद के साथ सब लोग यहाँ पर अपनी अरदास लगाते हैं और अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, जो भी मन्नतें सबकी यहाँ सुनी जाती हैं। जो महबूब इलाही के दर पे हम रोज़ा अफ्तार के लिए काशिफ निज़ामी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम रखा, और आज हमें दूसरी बार महबूब इलाही के अफ्तार पार्टी में आने का शर्फ हासिल हुआ है। इसे अल्लाह का बहुत फजल व करम है, अल्लाह की बरकतों का देखने को मिला मुझे कि यहाँ पे हर कोने में इफ्तार पार्टी चली थी, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ इफ्तार के लिए रोज़दार बैठे नहीं थे। तो ये बहुत ही अल्लाह का भी शुक्र है और महबूब इलाही की बरकतों का भी ये असर है कि जो हमें दूसरी बार शर्फ हासिल हुआ इफ्तार पार्टी का। हज़रत अमीर खुसरो के दरगाह के दर पर और महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी की दरगाह के दर पर जाने का मौका मिला, और ये ऐसा दर है कि जहाँ पर हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग आके नतमस्तक होते हैं, हम अपना माथा टेकते हैं, और जब हम भी जब आते हैं तब बहुत दिल से बड़ी खुशी होती है और बड़ा मन में सुकून, चैन मिलता है। और आज काशिफ भाई निज़ामी साहब के जानिब से जो इफ्तार का प्रोग्राम यहाँ रखा गया उसमें भी शिरकत करने का मौका मिला। मैं सबको, रोज़ाकारों को, सब अपने मुस्लिम भाईचारे को रमज़ान की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और अल्लाह से, वाहेगुरु परमात्मा से दुआ करता हूँ कि जो रोज़े जा चुके हैं उनको अल्लाह कबूल करें, और आने वाले रोज़ों में जो दिक्कत आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, उनसे बचाएं। और सबको एक बार फिर रमज़ान की बहुत बहुत बधाई। महबूब इलाही का चौखट पे लोग यहाँ तरसते हैं कि मुझे आना पड़े, यहाँ वही आते हैं जिन्हें महबूब इलाही बुलाते हैं। यहाँ से बड़ा पैगाम जाता है, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हर आदमी तराही तराही मचा हुआ है। अल्टीमेटली ये है कि आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में कोई एक मज़हब के लोग नहीं, पूरे बिरादरी के लोग यहाँ पर, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी, क्या हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मुरादें यहाँ से पूरी लेकर के जाते हैं। यही भारत का कंपोजिट कल्चर है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा भारत, असल भारत तो यहीं दिखता है। टीवी पे जो आप देख रहे हैं वो भारत नहीं है हमारा, वो एक तरह से भारत को जो लोग, कुछ लोग मुट्ठी में लेना चाहते हैं, यहाँ आकर के आपको लगता है कि ऐसी चौखटें हमारी विरासत की मजबूत अमीन हैं। बल्कि जब तक ये चौखट कायम रहेंगी, हिंदुस्तान का ताना बना रहेगा।